आज के वीडियो में हम लोग इंडेक्स प्लस मैच फंक्शंस का यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक साथ करना सीखते हैं। हालांकि दोनों का हमने अलग अलग यूज करना आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जिन लोगों ने किसी कारणवश उन दोनों वीडियो को नहीं देख पाया तो उस दोनों वीडियो का लिंक आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं इंडेक्स प्लस मैच फंक्शंस को एक साथ अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज करते हैं तो वी लुकअप का बड़ा ही जबरदस्त विकल्प बनके तैयार होता है। क्योंकि वी लुकअप में हम लोग जानते हैं कि वी लुकअप के साथ दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है कि उसमें लुकअप वैल्यू जो है टेबल का फर्स्ट कॉलम में ही होना चाहिए और जो लुकअप वैल्यू सर्च करता है वो हमेशा वी लुकअप जो है अपने टेबल का राइट साइड में ही सर्च करता है। तो इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडेक्स प्लस मैच फंक्शंस का यूज करके हम लोग एक्सेल में बड़ा ही कमाल का मैजिक कर सकते हैं। तो इंडेक्स प्लस मैच का यूज एक्सेल में कैसे किया जाता है, आइए इस चीज को समझते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को करते हैं हम शुरू। लेट्स बिगिन द टॉपिक। इंडेक्स प्लस मैच फंक्शंस को समझने के लिए देखिए यहाँ पर एक छोटा सा हम टेबल बनाए हुए हैं। इस टेबल में स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का कोर्स और स्टूडेंट का एड्रेस, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अब हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पर जिस भी स्टूडेंट का नाम लिखें उस स्टूडेंट का रोल नंबर, कोर्स और एड्रेस यहाँ पर हमें निकाल करके दिखा दिया जाए। तो ऐसा करने के लिए हम लगाएंगे इंडेक्स प्लस मैच फंक्शंस को। तो उसको लगाने से पहले हम यहाँ पे चाहते हैं कि स्टूडेंट का एक हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लें। इससे क्या होगा कि आपको आसानी होगा और नाम को लिखने में गलती भी नहीं होगा, ताकि आपका फंक्शन अच्छा से वर्क करे आप ऐसे यहाँ टाइप करके नाम लिख भी सकते हैं। तो स्टूडेंट का नाम का लिस्ट तैयार करने के लिए आप डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं जो कि आपको डेटा टैब में मिल जाएगा। तो डेटा टैब पे क्लिक कीजिए। डेटा टैब पे क्लिक करने के बाद आप डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए, एक बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स में आपको यहां से चूज कर लेना है लिस्ट वाला ऑप्शन। लिस्ट वाला ऑप्शन पे चूज करने के बाद यहां पर सोर्स पे कर्सर रखना है और सोर्स में आपको स्टूडेंट का नाम यहां से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो यहां पे क्या है कि आपका स्टूडेंट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर के तैयार हो गया है। अब हम यहां पे लगाएंगे इंडेक्स प्लस मैच फंक्शंस को। तो इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का साइन लगाने के बाद आपको लिखना है इंडेक्स। इंडेक्स लिखने के बाद आपको स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कर देना है। इंडेक्स फंक्शन आपसे तीन पैरामीटर मांगेगा। पहला एरे मांगेगा, उसके बाद रो नंबर मांगेगा, उसके बाद आपसे कॉलम नंबर मांगेगा। तो एरे में क्या है कि बिंदास होकर के पूरा टेबल को आप सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसमें भी लुकअप की तरह झमेला नहीं है कि आपका जो लुकअप वैल्यू है टेबल का फर्स्ट कॉलम में ही होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर टेबल को पूरा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद लगाएंगे कोमा। कोमा लगाने के बाद आपसे रो नंबर मांग रहा है, तो रो नंबर में ही आपको लगाना है मैच फंक्शंस को। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मैच। मैच फंक्शंस लगाने के बाद ब्रैकेट को कर देना है ओपन। इसमें आपसे दो पैरामीटर मांगेगा, लुकअप वैल्यू मांगेगा पहला। तो लुकअप वैल्यू आपका इस सेल में मेरा लुकअप वैल्यू है, तो लुकअप वैल्यू हमने यहाँ डाल दिया। उसके बाद आपसे मांगेगा एरे। तो एरे में आपको दे देना है कि लुकअप वैल्यू कहाँ सर्च करेगा, इस जगह से सर्च करेगा हमारा। तो हमने एरे को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको कोमा लगा करके एग्जैक्ट मैच के लिए आपको जीरो डाल देना है, उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देना है। अब चूंकि आपको फाइंड करना है यहाँ पर रोल नंबर, हमको रोल नंबर दिखाना है, तो रोल नंबर हमारा इस टेबल का फर्स्ट कॉलम में है। तो यहाँ पर आपको कोमा लगा करके ब्रैकेट बंद करने के बाद कोमा लगा दीजिए। कोमा लगाने के बाद आपको लिख देना है वन। वन लिखने के बाद आप इंडेक्स फंक्शंस को बंद कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद एंटर की को प्रेस कीजिए। तो विनोद सिंह का जो रोल नंबर होगा आपका इस जगह पर दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर विनोद सिंह का रोल नंबर हमारा 102 है। अब इस जगह से हम किसी भी स्टूडेंट का अगर हम चेंज करते हैं नाम तो उसका रोल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब इस सेल में हमें कोर्स खोज करके दिखाना है इस टेबल से। तो रोल नंबर के तरह ही इसमें भी आप लगा लीजिए इंडेक्स और मैच को। तो इंडेक्स फंक्शन यहाँ पे लगाने के बाद ब्रैकेट को ओपन कीजिए और पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको रो नंबर के जगह पे आपको मैच फंक्शन लगाना है। मैच फंक्शन में आपको देना है सबसे पहले लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारा ये है। उसके बाद आपको कोमा लगाना है, ये लुकअप वैल्यू कहाँ पे सर्च करेगा, तो इस जगह पे सर्च करेगा।
इसको सेलेक्ट कर लेना है और एग्जैक्ट मैच के लिए आपको जीरो लगा देना है और ब्रैकेट को बंद कर देना है। उसके बाद फिर से आपको कोमा लगाना है। इस बार चूंकि आपको कोर्स फाइंड करना है तो कोर्स आपका इस टेबल में कितने नंबर कॉलम पे है, तो एक नंबर कॉलम, दो नंबर कॉलम, तीन नंबर कॉलम, तो यहाँ पर आपको थ्री लिख देना है। उसके बाद ब्रैकेट को बंद करके एंटर की को प्रेस करना है। तो इस प्रकार से हमने कोर्स फाइंड कर लिया। कोर्स की तरह ही आप हमको एड्रेस फाइंड करना है, तो एड्रेस फाइंड करने के लिए भी यहाँ पर हम लगा लेंगे एक इंडेक्स फंक्शंस को। तो इंडेक्स फंक्शन लगाने के बाद ब्रैकेट को ओपन किए, उसके बाद एरे डालेंगे। एरे में हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं टेबल को, कोमा लगाते हैं। कोमा लगाने के बाद आपको रो नंबर पूछेगा, तो रो नंबर की जगह पर आपको मैच फंक्शन लगाना है और ब्रैकेट को ओपन करना। इसमें आपको लुकअप वैल्यू मांगेगा, तो लुकअप वैल्यू में दे देना, आपको सेल को सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि आपका लुकअप वैल्यू इस सेल में है। उसके बाद आपको कोमा लगाना है। लुकअप वैल्यू कहाँ से फाइंड करेगा, तो इस जगह से फाइंड करेगा। इसको सेलेक्ट कर लिए, कोमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो डाल देना है। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देना है और फिर से कोमा लगा करके इस बार आपको क्या फाइंड करना है इस टेबल से, तो एड्रेस। तो एड्रेस हमारा चार नंबर कॉलम में है, तो यहाँ पे हमने चार लिख दिया। आप ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको गोपाल कुमार का रोल नंबर, कोर्स और एड्रेस, ये तीनों फाइंड करके दिखा रहा है। देख लीजिए यहाँ पर, तो गोपाल कुमार हमारा इस जगह पे है, इसका रोल नंबर 104 है, इसका कोर्स है DCA और एड्रेस है जमुई। तो देखिए इस जगह दिखा रहा है। अब इस जगह से हम किसी भी स्टूडेंट का नाम को चेंज करेंगे, तो उस स्टूडेंट का रोल नंबर, देखिए चंदन रॉय सेलेक्ट किए, तो ये टेबल में चंदन रॉय का रोल नंबर जो 106 है, तो 106 दिखा रहा। कोर्स उसका टैली है, तो टैली दिखा रहा। उसका एड्रेस गिद्दौर है, तो गिद्दौर दिखा रहा। तो इस प्रकार से हम लोग एक्सेल में इंडेक्स प्लस मैच फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने इंडेक्स प्लस मैच फंक्शंस का यूज सीखा। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।